हे गाइस, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं OnePlus 10R के स्पेक्स और लॉन्चिंग डेट और प्राइसिंग वगैरह की। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे बेल आइकॉन को जाके ऑल पर सेट कीजिए, ताकि जब हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास 100% नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें अगर इसके स्पेक्स के बारे में, तो इसमें आपको प्रोसेसर में MediaTek Dimensity 8100 Max वाला चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 5nm पर बेस्ड होगा। मतलब जो आपकी परफॉर्मेंस होगी वो टॉप ऑफ द लाइन इसमें मिलने वाली। और इसमें आपको रैम टाइप LPDDR5 8GB रैम देखने को मिलेगी और स्टोरेज टाइप UFS 3.1 128GB का स्टोरेज मिलेगा, लेकिन जो नॉन एक्सपेंडेबल होगा, मतलब आप इसे एक्सपेंड नहीं कर सकते हो। और फेस लॉक वगैरह सारी चीज़ें इसमें होने वाली है, मतलब जितने भी आपके सेंसर वो सभी सेंसर इसमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें आपका अलर्ट स्लाइडर अपकी नहीं होने वाला है। तो हम यहाँ पर बात कर लेंगे इसकी डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें आपको एक 6.7 इंचेस का फ्लूइड एमोलेड HDR10+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा। मतलब डिस्प्ले आपकी काफ़ी अच्छी होने वाली, और इसमें आपको प्रोटेक्शन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन हमारे हिसाब से एटलीस्ट इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन तो होनी चाहिए। तो अब अगर देखा जाए इसके कैमरे की तरफ, तो इसमें पीछे की तरफ आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने मिलेगा, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा होगा। और जहां पर फ्रंट में अगर बात करें, तो फ्रंट में इसके 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और इसमें सभी तरह के मतलब कैमरे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे ऑटो फोकस हो गया, ऑटो फ्लैश हो गया और फेस डिटेक्शन वाला, मतलब जितने भी आपके ऑलमोस्ट सभी इसमें फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। और अगर बात करें इसकी बैटरी के बारे में, तो इसमें आपको 4500mAh की बैटरी, जिसको चार्ज करने के लिए सुपर वूक 80W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। और इसमें बात करी जाए मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसमें आपको एंड्रॉयड वर्जन 12 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, और कस्टम UI ऑक्सीजन OS भी साथ में आपको इसके देखने के लिए मिल जाता है। बात करें अगर इसकी कनेक्टिविटी की, तो इसमें आपको डुअल नैनो सिम का ऑप्शन मिलता है, और 5G आप केवल सिम 1 पे यूज कर सकते हैं, और सेकंड सिम पे आप अपने 4G को यूज कर सकते हैं। और इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.2 और इसमें जितने भी मतलब सभी तरह की कनेक्टिविटी इसमें देखने के लिए मिल जाती है। और इसके स्पीकर्स में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। जिन लोगों को नहीं पता, इस टेक्नोलॉजी में आपके साउंड को 360 डिग्री तक फैलाया जाता है, जिससे कि आप लोगों को पूरी 3D वाली फील आती है। और इस टेक्नोलॉजी में आपके साउंड मिक्सर्स की मदद से इसमें नए नए काफी तगड़े इफेक्ट डाले जाते हैं, जिससे कि आपको पूरी रियल वाली फील आती है। अब अगर हम लोग बात कर लें इसकी प्राइसिंग और लॉन्चिंग की, तो इसकी जो लॉन्चिंग डेट है वो है 28 अप्रैल, मतलब ये 28 अप्रैल तक लॉन्च हो सकता है। और अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो ये 40,000 के अराउंड आपको देखने के लिए मिल सकता है। वैसे आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो गाइस बस इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।